हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी मतलब स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप्स। इसमें हम पढ़ने वाले माइक्रोस्कोप्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से टाइप की सेल की स्टडी करने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं। इसके साथ हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक थिंग पढ़ने वाले हैं, जो कि है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग, ये जिसने भी माइक्रोस्कोप पढ़ा होगा, उसके जिसके भी कोर्स में माइक्रोस्कोप होगा, ग्राम स्टेनिंग सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक टेक्निक होती है। और ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है, क्योंकि ये एक बड़े सेक्शन ऑफ बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकती है दो बड़ी डिविजन्स में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि ये कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, क्यों होते हैं, एट्सेट्रा। और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। और अगर कोई कोर्स कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी या फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि माइक्रोस्कोप हम यूज़ ही क्यों करते हैं। एक्चुअली कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं और हमारी नेकेड आईज से हम उसे नहीं देख सकते, और जब देख ही नहीं सकते तो स्टडी कैसे करेंगे। इसीलिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। और दो मेन डिवीजन है ऑर्गेनिजम्स की, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई को हम कैरियन भी कहते हैं, उसको हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मतलब पिछड़ा हुआ, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब नॉट एडवांस न्यूक्लियस। ईयू, जो ईयू यू है, ये इसका मतलब होता है एडवांस, तो एडवांस न्यूक्लियस। तो जो पुराने प्रोकैरियोट्स है वो बहुत छोटे हैं, 0.4 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज है। और जो यूकैरियोट्स हैं, उनका साइज 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक है। नाउ माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल और इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पहले हम लोग ऑप्टिकल पढ़ते हैं। ऑप्टिकल चार तरह के होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसे हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसमें ना हम दो तीन मतलब लेंसेस, एक से ज़्यादा लेंसेस के अरेंजमेंट को यूज़ करते हैं इस माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर में। इसके बाद आता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इन सब की स्टडी हम इलेबोरेटेड स्टडी करेंगे आगे की वीडियो में। इसके बाद आता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, और चौथा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। इनके नाम से ही आप इनके रिलेटेड फैक्ट्स याद कर लोगे जब ऐसे स्टडी कराऊंगी। बिल्कुल टेंस मत हो। कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा लेंसेज, सिंपल लेंसेज मतलब एक लेंस होता है, कंपाउंड लेंसेज मतलब एक से ज़्यादा लेंसेज के जो कॉम्बिनेशन पे बनते हैं। इसीलिए और इसमें यही फैक्ट यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। थोड़ा वेट कर लो, इन सब की बहुत इलेबोरेटेड स्टडी होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। तो अब हम आगे चलते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, और इसे हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को पढ़ो। पहले तो ऑक्यूलर लेंसेज, ऑक्यूलर लेंसेज आई लेंसेज को कहते हैं। ये लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जो कि आंखों के पास होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट के पास वाले लेंस। ऑब्जेक्ट क्या है? स्पेसिमेन। स्पेसिमेन कहाँ पर रखते हैं हम लोग? ग्लास स्लाइड पे। ग्लास स्लाइड हम कहाँ रखते हैं? स्टेज पे। कंडेंसर ये क्या काम करता है? फोकस करता है लाइट को स्पेसिमेन के ऊपर। फोकसिंग नॉब्स इसके है, इसकी हेल्प, इसके थ्रू हम रेगुलेट करते हैं सारी फोकसिंग एंड ऑल। और लाइट सोर्स, ये लाइट एमिट करता है। ऑक्यूलर, अब जैसे कि कंपाउंड लेंस है, तो कंपाउंड नाम कहाँ से है? जैसे हम सिंपल लेंस पढ़ते हैं तो एक लेंस होता है, कंपाउंड लेंस में क्या होता है? एक से ज़्यादा लेंसेस एक पर्टिकुलर पैटर्न में, एक अरेंजमेंट में हम सेटअप करते हैं, जिससे हमें बेस्ट क्वालिटी और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिलते हैं। ऑक्यूलर लेंस एक ही तरह के होते हैं 10x, बट ऑब्जेक्टिव लेंस आपको जो ये लैब है इसमें तीन तरह के मिल जाते हैं, मोस्ट कॉमनली 10x, 45x एंड 100x। अगर मैग्निफिकेशन निकाली हो तो ऑक्यूलर लेंस की वैल्यू को ऑब्जेक्टिव लेंस से आप मल्टीप्लाई कर लो। मैग्निफिकेशन मतलब होता है कितना इनलार्ज हुआ। अगर ऑक्यूलर लेंस 10x है तो ऑब्जेक्टिव लेंस 10x है, तो टोटल मैग्निफिकेशन 100x हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस 45x है तो टोटल इनलार्जमेंट 450x हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस 100x है तो टोटल
इनलार्जमेंट थाउजेंड्स एक्स हो जाएगा। रिजोल्यूशन पावर, माइक्रोस्कोप का दूसरा टास्क। देखो वो ये वो साइज होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट का, जब तक हम उस, मान लो दो स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं और वो बहुत छोटे हैं, और वो जिस साइज तक हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उतना ही हम उसे रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। कि अगर हम इमर्शन ऑयल हम सिर्फ 100x ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ यूज़ करते हैं और 40x पे इमर्शन ऑयल नहीं लगना चाहिए, ये आगे मैं बताऊंगी क्यों नहीं लगना चाहिए। तो ये सब, ये इमर्शन ऑयल यूज़ करने के बाद 0.2 माइक्रोमीटर साइज होता है रिजोल्यूशन पावर, इतने साइज तक को आप डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो। अब माइक्रोस्कोप पढ़ लिया तो स्टेनिंग पढ़ लेते हैं। माइक्रोस्कोप में भी हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा है, तो स्टेनिंग पढ़ लेते हैं। तो फिक्स सेल्स वो होते हैं, अक्सर फिक्स सेल्स को मतलब जो अपनी पोजिशन पे टिके रहे, इसके लिए आप क्या करोगे, मार दोगे। मारोगे कैसे, हीट किल कर दोगे उसको, यही फायर में रखते हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए रखते हैं, बस मर जाते हैं बैक्टीरिया। अब स्टेनिंग दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल स्टेनिंग जो ना मैं कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए करती हूँ कि मेरा बैक्टीरिया रेड कलर दिखे, बैकग्राउंड वाइट दिखे तो मुझे बैक्टीरिया ज़्यादा क्लियर दिखेगा। अगर बैक्टीरिया ही स्किन कलर का होगा और बैकग्राउंड ही येलोइश स्किनिश होगा तो क्या क्या तब तो नहीं दिखने वाला और डिस्टिंग्विश भी नहीं हो सकता, क्या पता डस्ट पार्टिकल को हम बैक्टीरिया समझ लें। इसीलिए हम उसे कुछ वाइब्रेंट कलर से स्टेन कर देते हैं ताकि हम एकदम क्लियर रहे कि हम बैक्टीरिया ही देख रहे हैं। और एक होता है डिफरेंशियल स्ट्रेन, ये जो स्टेनिंग होती है ना ये दो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होती है, जैसे कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव। स्टेन दोनों बैक्टीरिया को सेम किया है बट किसी बैक्टीरिया ने पर्पल कलर शो किया, किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो किसी ने वो स्टेन अपने वॉल में रखा, किसी ने नहीं रखा। तो ये एग्जाम्पल हो गया, अब आगे चलते हैं। चलो माइक्रोस्कोप तो तुम्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप चलाना आ गया, तो कम से कम बैक्टीरिया तो डिफरेंशिएट करने आ गए, आ जाने चाहिए। चाहे बैक्टीरिया को ये मत बताओ कि ये स्टेफेलोकोकस है या फिर निमोनिया है या फिर क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी है, ये सब मत बताओ, पर एटलीस्ट उसकी शेप के बेसिस पे उसको कुछ डिस्टिंग्विश तो करना ही आना ही चाहिए। कॉक्साई मतलब स्फेयर्स होता है, अगर वो बंचेस में होते हैं, वो चेन्स में होते हैं, और वो क्वाड्रेट्स में होते हैं। क्वाड्रेट्स मतलब चार चार के ग्रुप। और बेसलाई रॉड शेप्ड होती हैं, अलोन भी हो सकती हैं और चेन्स में भी हो सकती हैं। और जो विब्रियोज है ना, विब्रियोज की भी इकोलाई होते हैं और ये ना छोटे छोटे बेंड रॉड्स दिखेंगे तुम्हें, तुम्हें लगेगा बेसलाई है पर छोटा बेसलाई है और इसे हम विब्रियो कहेंगे। तो होता बैक्टीरिया अलग है बट अगर डिटेलिंग नहीं की, थोड़ा ध्यान से नहीं देखा तो बेसिलाई और विब्रियो में कंफ्यूज हो सकते हो, पर विब्रियो बहुत छोटे होते हैं। देन आते हैं स्पाइरल और फिर आते हैं इरेगुलर, हमें नहीं पता इनकी क्या शेप है। अब स्टेनिंग पढ़ते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्टेनिंग करने से पहले बैक्टीरिया को स्लाइड पे लेते हैं और उसे फिक्स करते हैं। फिक्स कैसे करते हैं उसको, उसकी पोजिशन पे उसे अक्सर हीट किल कर देते हैं और फिर उसे स्टेन करते हैं डाई से। डाई से हम स्टेन क्यों करते हैं, क्योंकि पहली बात तो वो डाई उस ऑर्गेनिज्म, उस स्पेसिमेन के केमिकल स्ट्रक्चर के साथ रिएक्ट करती है। तो जैसे कि ग्राम स्टेन में, स्टेनिंग में वो जो डाई है वो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल के साथ रिएक्ट करके उसके अंदर एम्बेड हो जाती है। और दूसरा कि डाई इंक्रीजेज एब्जॉर्बेंस, जैसे कि अगर डाई की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वो ब्लॉक करेगा और इसकी वजह से हमें कम कंट्रास्ट की कंडीशन में भी अच्छा व्यू मिल सकता है, कम लाइट में भी हमें बेटर डिफरेंशिएट हो पाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डाई ने लाइट को ब्लॉक कर लिया है। तो ग्राम स्टेनिंग में हम चार तरह की डाई यूज़ करते हैं, चार केमिकल यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं आयोडीन, फिर हम यूज़ करते हैं एल्कोहल जो कि एक डीकलराइजर है, और लास्ट हम यूज़ करते हैं सैफ्रिन। अब कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इसको केयरफुली करना होता है, टाइम को टाइम रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीकलराइजर ज़्यादा यूज़ कर लिया तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो भी कलर छोड़ देंगे, डीकलराइजर कम यूज़ किया तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो भी कलर को रिटेन रखेंगे। कैसे करना है,
तो पहले तो स्लाइड पे एक पतला स्मीयर बनाना है, मतलब बहुत कम बैक्टीरिया लेना है, उसको एक ड्रॉप ऑफ वाटर के साथ मिक्स करके एकदम पतला स्मीयर, मतलब स्लाइड पे एकदम पतली सी लेयर बनाती है कि उस स्लाइड में से आप देखो ना तो फाइल में या फिर कोई वर्ड पढ़ने की कोशिश करो तो क्लियर पढ़े। उसे ड्राई कर देना है, फिर उसे हीट किल कर देना है, मतलब 3-4 बार उस स्लाइड को फ्लेम में से गुजारना है। तो ये होने के बाद आपको उस पे 1 मिनट के लिए क्रिस्टल वॉलेट डालना है और 1 मिनट वेट करना है। फिर उसके बाद उसे डिस्टिल वाटर से क्लीन कर देना है। फिर उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन डालना है और फिर उसे 1 मिनट रिटेन रखना है। देखो, आयोडीन सॉल्यूशन एक मॉबेंट की तरह काम करता है। वो ना एक्चुअली होता ही है कि जब आयोडीन सॉल्यूशन उसकी सेल स्पेसमेन की सेल में घुसता है तो उसकी सेल के अंदर जो क्रिस्टल वॉलेट के मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ कंबाइन कर जाता है और इससे वो क्रिस्टल वॉलेट उसकी सेल वॉल से बाहर नहीं निकल पाता। तो एक तरह से ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी कलर पकड़ने की जो पावर है उसे बढ़ा देता है। लास्ट में यूज़ करना है, थर्ड पार्ट पे यूज़ करना है अल्कोहल, जो कि डीकलराइजर है, और इसे सिर्फ 20 सेकेंड रिटेन रखना है और तुरंत डिस्टिल वाटर से क्लीन कर देना है। इसके बाद इस पे काउंटर स्टेनिंग करनी है सैफ्रिन की, इसको भी 1 से 2 मिनट रखना है। देखो, सैफ्रिन रखने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो पर्पल दिखेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या दिखेंगे? तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो एक्चुअली ये जो सैफ्रिन है इसे ग्राम पॉजिटिव भी लेगा और इसे ग्राम नेगेटिव भी लेगा, पर ग्राम पॉजिटिव ने ऑलरेडी पर्पल लिया हुआ है तो उसका कलर डार्किश पर्पल पिंकिश ऐसा आएगा, पर जो ग्राम नेगेटिव है उसने तो पर्पल कलर लिया नहीं हुआ है इसलिए उसका कलर पिंकिश आएगा, तो आप डिस्टिंग्विश कर लोगे। तो हम ऐसे ही स्टेनिंग करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की। अब जल्दी जल्दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। नीचे से स्टार्ट करो, जो कि है बेस विथ सोर्स ऑफ लेमिनेशन। वहाँ पे इल्यूमिनेटर लगा है, उसमें से लाइट निकली, लाइट निकल के कहाँ पहुँची? कंडेंसर पे। कंडेंसर का क्या काम क्या था? लाइट को फोकस करना। उसने तो कंडेंसर के ऊपर क्या रखा है? स्पेसिमेन। स्पेसिमेन किस में रखा है? ग्लास स्लाइड में। ग्लास स्लाइड किस पे रखा है? स्टेज पे। सो कंडेंसर ने लाइट को फोकस किया स्पेसिमेन पे, और स्पेसिमेन को किसने देखा? ऑब्जेक्टिव लेंस ने। और फिर उसके बीच में ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज है, तो उसके बीच में प्रिज्म है और आप देख रहे हो लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, और ऑक्यूलर लेंस, जिसे हम आई लेंस भी कहते हैं, वो उसे फोकस कर देता है और हम देख पाते हैं। सो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन जो अक्सर आता है कि हम लोग 100x के साथ इमर्शन ऑयल क्यों यूज़ करते हैं? हम इसके साथ इमर्शन ऑयल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि देखो, जब लाइट, अगर उसका पाथ सीधा सीधा रखोगे ना तो वो सारी लाइट उस स्पेसिमेन से होके ऑक्यूलर लेंस के थ्रू हमारी आईज में नहीं पहुंच रही। तो इमर्शन ऑयल का रोल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इमर्शन ऑयल का रोल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है कि इमर्शन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उसके अंदर जब लाइट आती है स्पेसिमेन के थ्रू पास करती है और इमर्शन ऑयल में पहुंचती है तो वो बेंड हो जाती है, और जब उसकी बेंडिंग की वजह से ज़्यादा लाइट स्पेसिमेन से ऑक्यूलर लेंस तक पहुंच पाता है और हम लोग देख पाते हैं। अगर हम इमर्शन ऑयल यूज़ नहीं करेंगे तो पिक्चर उतनी शार्प नहीं बनेगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट, ज़रूरी नहीं है कि सारी लाइट सीधा सीधा ऑक्यूलर लेंस में आ जाए, उसको आने के लिए उसकी बेंडिंग करा देता है इमर्शन ऑयल। सो ये भी क्लियर हो गया। तो आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि क्या हुआ है। अगर जो लाइट सोर्स थी जहाँ पे इमर्शन ऑयल, जैसे आधे आधे इमर्शन ऑयल और आधा बिना इमर्शन ऑयल की सिचुएशन देखो, जहाँ पे इमर्शन ऑयल नहीं है, रिफ्रैक्टिव लाइट विदाउट इमर्शन ऑयल, उसमें बेंडिंग की वजह से बेंडिंग नहीं हुई, सीधा लाइट बाहर चली गई, ऑक्यूलर लेंस पे नहीं पहुंची, और जहाँ पे इमर्शन ऑयल था वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होने की वजह से बेंडिंग हो गई और लाइट हमारी आंखों के पास ऑक्यूलर लेंस में पहुंच गई। ये भी क्लियर हो गया।
देखो इस माइक्रोस्कोप का ना थोड़ा कंसेप्ट अलग है। जैसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज यूज़ कर रहे थे, तो हम इसमें फेज को यूज़ करेंगे। पोलराइजर पढ़ा है किसी ने? तो उस पोलराइजर नहीं पढ़ा ना, तो एक बार उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेना, वरना मैं बता ही रही हूँ कि जब किसी पोलराइजर से लाइट पास होती है तो जो उसमें से आउट ऑफ फेज लाइट होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे एक फेस प्लेट लगी है और एक लगा है स्पेसिमेन। तो फेस प्लेट और स्पेसिमेंस के थ्रू जब लाइट पास होती है तो जो आउट ऑफ फेज लाइट होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो इसीलिए ना आपको जब इसके डायग्राम में भी आप देखोगे तो आपको कुछ जैसे सैंपल के इंटरनल ऑर्गेनील्स तक दिखेंगे, क्योंकि जब उससे लाइट पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन की वजह से कहीं डार्क शेड और कहीं लाइट शेड बन रहा है। तो इसकी वजह से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको इस पे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए हमें ऑर्गेनिज्म को मारना नहीं पड़ता। तो जब मारना नहीं पड़ता है तो हम इस पे लिविंग सेल्स की भी स्टडी कर सकते हैं। तो हमने ये भी पढ़ लिया। तो हाँ, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप पे इतना कंपटीशन लेवल के लिए तो काफ़ी है, एम्स वगैरह के एग्जामिनेशंस के लिए। अब हम आते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप पे। अब देखो इसके नाम में ही डार्क है, डार्क वर्ड यूज़ हुआ है। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो स्पेसिमेन है वो लाइट एमिट करता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये हम उन स्पेसिमेंस के साथ यूज़ करते हैं जो कि स्टेन नहीं होते ढंग से, जैसे कि सिफिलिस। सिफिलिस कौन सी बीमारी होती है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? ग्लाइकोनीमा पैलेडम, ट्रिपोनीमा पैलेडम, ये कॉज करता है सिफिलिस। अब और इनकी एक और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इस माइक्रोस्कोप टेक्निक की कि एज वो जो स्पेसिमेन है वो लाइट एमिट कर रहा है तो उसकी छोटी सी छोटी डिटेल तक भी नोटिस में आ सकती है, जैसे कि फ्लैजेला। जैसे अब सिंपल सी बात है, एक रूम में आप लाइट करो और फिर आप चीज़ों को देखो, और एक रूम में पूरा अंधेरा कर दो और जो चीज़ देख रही है उसमें से लाइट एमिट कराओ, किस में ज़्यादा डिटेल नोटिस हो जाए? हाँ कलर उतना नोटिस नहीं होगा, बट जैसे फ्लैजेला की मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, ये डार्क माइक्रोस्कोप से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और टिंडल इफेक्ट प्रिंसिपल यूज़ होता है इसमें। टिंडल इफेक्ट तो सबने पढ़ा होगा, जैसे हम लोग बीम ऑफ लाइट में डस्ट पार्टिकल्स की मूवमेंट देखते हैं, बस वही बात है। और ये कैसे होता है ये मैं अभी आगे की वीडियो में बताती हूँ। और इसके साथ एक और अच्छी चीज़ है कि एक्चुअली होता ये है कि लाइट को हम शाइन करते हैं स्पेसिमेन पे, और स्पेसिमेन उस लाइट को एब्जॉर्ब करके दूसरी वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है। और तो हम फ्लैजेला भी नोटिस कर सकते हैं। और ओनली लाइट सिक्रीटेड बाय सिंपल सैंपल रीचेज ऑब्जेक्टिव। और जितनी जो जो लाइट स्पेसिमेन सिक्रीट कर रहा है वही सिर्फ ऑब्जेक्टिव तक पहुंच रहा है, और कोई लाइट ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंचती। तो इवन ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब क्या पता जो लाइट एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो और वो ऑब्जेक्ट कम है। ये सारी चीज़ें बहुत डेप्थ की हैं मतलब, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो देखो जैसे मैंने बताया था कि डार्क फील्ड में स्पेसिमन लाइट एमिट करता है। यहाँ पे तीनों बने हुए हैं, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेस कॉन्ट्रास्ट। तो जो डार्क फील्ड है उसमें लाइट आती है, फिर एक ओपेक डिस्क है, और फिर वो ओपेक डिस्क के बाद जो है वो लाइट को रोक देता है, और कंडेंसर के थ्रू कुछ लाइट स्पेसिमेन पे जाती है, और जो कि लाइट ओनली लाइट डिफ्रैक्टेड बाय द स्पेसिमेन इज कैप्चर्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जितना भी लाइट स्पेसिमेन डिफ्रैक्ट करता है वही लाइट सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस पे पहुंचती है। सो लाइट एमिटेड बाय स्पेसिमेन, बस इसमें ये कंसेप्ट है कि स्पेसिमेन की अपनी कोई लाइट नहीं है, वो आप फ्लोरेसेंस में पढ़ोगे। तो यहाँ पे जो लाइट है वो मैंने दी स्पेसिमेन को, पर मैंने लाइट को कंट्रोल करके दिया,
जो लाइट डिफ्रैक्ट हुई स्पेसिमेन के थ्रू, वही लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस के पास गई, ऑब्जेक्टिव लेंस ने कैच की और उसके बाद वाई लेंस में आ गई। और अब हम आए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंस मतलब चमकदार। देखो इसमें क्या करता है वो बैक्टीरिया, वो स्पेसिमेन हाई एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लो एनर्जी लाइट को एमिट करता है। देखो हाई एनर्जी होगी तो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया और लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट को उसने एमिट किया। तो इनमें हम कुछ स्पेशल डाइज से ट्रीट करते हैं और कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और वायरसेस की स्टडी के लिए ये यूज़ होता है। इसमें होता ये है कि वो जो डाई होती है ना वो यूवी लाइट्स में ग्लो करती हैं, तो ये मेडिकल डायग्नोसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि देखो यूवी लाइट का जहाँ इस्तेमाल करोगे ना, जहाँ चीज़ खुद ही चमक के बता रही है मैं यहाँ हूँ, तो इससे बेटर मेडिकल डायग्नोसिस क्या हो सकता है। और सब कुछ बहुत कंट्रोल में होता है, अदरवाइज कोई भी लाइट यूवी लाइट्स बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। ये सब बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए होता है कि हम थोड़े से सेल्स निकाल के अलग स्टडी करते हैं तो हो जाता है। सो इट शुड मेक सेंस टू यू कि जिसमें हम लोग स्पेशलाइज सेल्स को ट्रीट करते हैं, उसको यूवी लाइट पास करते हैं, वो डाई ग्लो करने लगती है और हमें हम वायरस हो या फिर कोई मेडिकल डायग्नोसिस से रिलेटेड कोई स्पेसिमेन है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। सो ये भी हो गया। ब्राइट फील्ड में आप देख रहे हो, इसमें कोई ओपेक डिस्क नहीं होती। सबसे ए वाला पार्ट जो है वो ब्राइट फील्ड का है, लाइट पास करती है, कंडेंसर उसे फोकस करता है स्पेसिमेन पे और ऑब्जेक्टिव लेंस से लाइट क्रॉस करते हुए आइस पे पहुंच जाती है। फेस कॉन्ट्रास्ट में देखो, फेस कॉन्ट्रास्ट में वो फेस के साथ खेल रहे हैं। जो आउट ऑफ फेज लाइट है, लाइट का पार्ट है, उसे हम कैंसिल करेंगे। तो एनुअल डायफ्राम है तो उसने कुछ लाइट रोकी, कुछ फेज आउट ऑफ फेज लाइट कैंसिल हुई। कंडेंसर ने फोकस किया, जो लाइट्स उसके पास पहुंची, कंडेंसर ने उसे फोकस किया स्पेसिमेन में। स्पेसिमेन के थ्रू भी लाइट का जो फेज है वो बदला, और जब वो बदला तो फिर वो अनडिफ्रेक्टेड फिर वो पहुंच गई फेस प्लेट पे। और जब वो फेस प्लेट पे पहुंची तो वहां पे भी यही काम हुआ फेस के साथ खेलने की वजह से। और तो देखो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेज इसकी वजह से कंट्रास्ट क्रिएट होता है। और इसी वजह से जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल की भी स्टडी कर सकते हो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से। डायग्राम बहुत क्लियर है, आप पोज करके देख लो और फिर ऑक्यूलर लेंस से वो आई में पहुंच जाती है वो लाइट और हम उसे स्टडी कर लेते हैं। अब हम आए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, वो माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है और वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो और जो अक्सर माइक्रोस्कोप्स अपनी वेवलेंथ की कंपैरिजन वाली चीज़ों को बहुत क्लियर देख पाते हैं, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटी, अभी तक के जितने माइक्रोस्कोप्स में बात की थी उन सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा डिटेलिंग और सबसे ज़्यादा छोटे लेवल पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। तो जो अब मैं कुछ स्पेशल बातें बताती हूँ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, जो कि इसे स्कैनिंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहली बात, आपको जो इमेज आएगी ना वो ट्रांसमिशन में वो 2D आती है, स्कैनिंग में 3D आती है। ट्रांसमिशन में भी 3D बनती है बट ना वो बहुत अच्छी इमेज, पता है कैसे बनती है वो? एक्चुअली उस स्पेसिमेन के इतने सारे स्लाइसेस कर देते हैं, और अगर इसकी में 3D इमेज बनानी है तो ये स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्लाइसिंग, क्योंकि वो एक स्लाइस को स्टडी कराता है। और जब हम एक पूरे स्पेसिमेन की हर जगह से पूरी स्लाइसिंग कर देते हैं तब वो 3D इमेज बना सकता है, पर स्कैनिंग के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इमेजेस 3D बनती है। और जो आप डिस्कवरीज पे 3D इमेजेस देखते हो वो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप से होती हैं लिविंग। और नेक्स्ट आया वो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप से होती है। तो अब ट्रांसमिशन में हम लोग ये जो स्लाइसर होता है ना, जो हम लोग कहते हैं जो कि स्लाइसिंग करता है, उसका नाम होता है अल्ट्रा माइक्रोटोम। और इसमें हम लोग ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रॉन्स को पास कराते हैं एक
ड्राई सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन से। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंस डाइस से स्टेन भी करते हैं और हैवी मेटल्स यूज़ करते हैं इसकी डाइज में। तो ये भी हो गया। एक्चुअली मेटल्स का रोल इलेक्ट्रॉन्स को की हैंडलिंग में है, इसीलिए हम इसमें हैवी मेटल्स यूज़ करते हैं। और नेगेटिव स्टेनिंग की वजह से ये फाइन स्ट्रक्चर मिलता है इसको। जहाँ तक कि क्वेश्चन ये आता है कि जो हैवी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्यों यूज़ करते होते हैं, तो इसका आंसर ये है कि जब जो हैवी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग में हेल्प करते हैं, और इसकी वजह से कंट्रास्ट क्रिएट होता है, कहीं पे डार्क शेड आता है, कहीं पे लाइट शेड आता है। सो एक 3D लुक क्रिएट करने के लिए हम लोग हैवी मेटल्स यूज़ करते हैं। और यही जो कंट्रास्ट और यही जो डिटेलिंग है, इसका जो काम बढ़ाने का काम नेगेटिव स्टेन नाम की एक टेक्निक करती है। इसमें होता ये है कि बैकग्राउंड को कलर किया जाता है और जो स्पेसिमेन है उसको छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से कंट्रास्ट और गहरा और डेप्थ कंट्रास्ट क्रिएट होता है, जिससे हम डिटेलिंग करना आसान हो जाता है। अब लास्ट टेक्निक पढ़ रहे हैं, फ्रीज एचिंग। आप जो ये फ्रीज एकिंग टेक्निक है, इसमें होता क्या है, एक्चुअली सब्लिमेशन का प्रोसेस पढ़ा है आपने कि जो आइस है वो सीधा वेपर में कन्वर्ट होती है और कोई लिक्विड स्टेट नहीं आती है, बस वही काम होता है। और इसके थ्रू हम स्पेसिमेंस का रेप्लिका बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। और इसमें एक और ये किस अक्सर मेम्ब्रेन्स या फिर इंटरनल ऑर्गन्स इन सब के ना इमेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है ये टेक्निक। और ये जो आप काम कर रहे हो ऐसे, इसको फ्रीज एकिंग टेक्निक क्यों कह रहे हैं, सब्लिमेशन ही कहते थे। ये वैक्यूम में हो रहा है और इसमें आइस कन्वर्ट हो रही है वेपर में, आइस आइस का सब्लिमेशन हो रहा है, दैट्स वाई। और अब ये हाई रेजोल्यूशन के लिए की स्टडी के हाई रेजोल्यूशन लेवल पे स्टडी होने के लिए इसका यूज़ होता है। और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि राइबोसोम्स, फ्लैजुलर बेस, DNA स्ट्रैंड्स, इन सब की स्टडी करने के लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। और इसका 3D स्ट्रक्चर क्यों आता है, कैसे आता है, जब हम बहुत 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 सारी स्लाइसेस यूज़ करते हैं। अब अगर पहले तो इसकी प्रोटीन मूवमेंट प्रिवेंट करने के लिए हमें इसको फिक्स करना पड़ता है, तो इसकी भी 3 टेक्निक्स है। एल्डिहाइड्स को फिक्स कर दो, एल्डिहाइड्स टू फिक्स प्रोटीन्स, फ्लैश फ्रीजिंग टेक्निक है, और एक हाई इंटेंसिटी माइक्रोवेव है इसकी टेक्निक, ये टेक्निक है। तो प्रोटीन्स मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए जो हम उसे फिक्सेशन करने के लिए जो भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसमें पहला तो है कि एल्डिहाइड को फिक्स कर दो तो प्रोटीन फिक्स हो जाएगा। फ्लैश फ्रीजिंग मतलब क्रायोसेंजरिक टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस पे उसे फ्रीज करो, वो नहीं मूव करेगा। तीसरी है हाई इंटेंसिटी माइक्रोवेव। आप जैसा कि मैं बात कर रही थी कि हमें अगर 3D स्ट्रक्चर चाहिए होता है तो हम उसकी बहुत सारी स्लाइसेस करते हैं, किस से, अल्ट्रा माइक्रोटोम या फिर माइक्रोटोम ये भी कह सकते हैं उसे। और फिर हमने बात की थी कि हम लोग हैवी मेटल्स यूज़ करते हैं, तो वो कौन से हैवी मेटल्स होते हैं, यूरेनियम और ऑस्मियम। अब हम आए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। तो ये माइक्रोस्कोप को डील करना इजी है, जो भी 3D स्पेसिमेन की फोटोज़ चाहिए डिस्कवरीज पे आप जो देखते हो वो सब ये इसी के थ्रू ली जाती है। और इस पर कुछ नहीं किया जाता है, स्कैन कर लिया जाता है 3D स्पेसिमेन को विद अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए ज़्यादा प्रिपरेशंस भी नहीं लगती। बट हाँ, एक और बात, ये इसकी रिजॉल्विंग पावर ट्रांसमिशन से कम होती है, सो ये उतना बेटर भी नहीं है। तो अब आप देखो, इसमें ए है ट्रांसमिशन और बी है स्कैनिंग। और इन माइक्रोस्कोप्स में आप सीधा आई लेंस से नहीं देखते सीधा स्पेसिमेन से थ्रू आने वाली लाइट को, इसमें आप स्क्रीन पे देखते हो सारे डायग्राम को। तो पहले ट्रांसमिशन को पढ़ते हैं। तो ट्रांसमिशन और स्कैनिंग में एक होती है इलेक्ट्रॉन गन। जब इलेक्ट्रॉन बीम आती है तो उसके साइड में कंडेंसर लगे हुए हैं, कंडेंसर लेंसेज, जो कि उनको फोकस करते हैं स्पेसिमेन पे। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर आता है प्रोजेक्टर लेंस, और फिर फ्लोरोसेंट स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट। और उसी प्लेट पे व्यूइंग आईपीस से आप देख सकते हो, मतलब आप स्क्रीन पे इनडायरेक्ट देख रहे हो, डायरेक्ट नहीं। और इसके बाद स्कैनिंग में भी देखोगे
तो पहले इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स छूटे तो प्राइमरी में इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज आए, तो उसके बाद आप देखोगे तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन, पहले तो स्पेसिमेन पे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स गिर गए, फिर उसमें जो कुछ जब इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन पे गिरे तो रिफ्लेक्ट हुए, उन्हें हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और फिर उसको इलेक्ट्रॉन कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया, उसको उसकी इमेज को एम्पलीफाई कर दिया, और व्यूइंग स्क्रीन से आप देख सकते हो उस स्पेसिमेन को। सो आप डायरेक्टली तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे हो। तो स्कैनिंग के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हमने जितना पढ़ा उससे हम यही डिटेल निकाल पाएंगे कि इसका रिजॉल्विंग पावर कम होता है ट्रांसमिशन से। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि इसके नाम से समझ आ रहा है स्कैन करना, ये 3D स्पेसिमेन को स्कैन करते हैं, तो ऊपर का सुपरफिशियल स्ट्रक्चर हमें समझ आ जाएगा, सरफेस की स्टडी हो जाएगी पर अंदर की स्टडी नहीं हो पाएगी। और इसमें हम स्लाइसिंग नहीं करते, इसमें 3D स्ट्रक्चर रिटेन रह जाता है, और क्योंकि ये 3D इमेज ही देता है। ट्रांसमिशन के साथ ये होता है कि जब स्लाइस बन गया तो वो 2D में भी आ गई, बट इसमें जब स्लाइसिंग नहीं बना, सिर्फ सरफेस की स्टडी हो रही है, तो जैसा स्पेसिमेन बाहर से दिख रहा है वैसा उसने दिखा दिया। तो देख रहे हो आप इमेज एकदम क्लियर। तो ये हो गया हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ो। अब इसके बारे में, अब इस एटमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के बारे में जितनी बात बोली जाए वो एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम ऑलरेडी बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एरिया डील कर रहे हैं माइक्रोस्कोपी, हमेशा क्वेश्चंस आ जाते हैं माइक्रोस्कोप्स के ऊपर, और लोगों को एक दो स्टेटमेंट्स याद रहती हैं, उन्हीं के बेसिस पे वो आंसर्स दे देते हैं, जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन बदल गया तो ज़रूरी डिफरेंट क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर होता है। तो इसके बारे में मैं बस सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए दे रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये जो माइक्रोस्कोप है ये वॉन डर वाल फोर्स यूज़ करता है। एक्चुअली इस माइक्रोस्कोप में ना एक टिप होती है, और वो सरफेस के ऊपर ये टिप धीरे 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 चलती है, तो जब ये टिप उसके ऊपर सरफेस के कांटेक्ट में आती है, स्पेसिमेन के सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तो उसके बीच में ना वंडरफुल इंटरैक्शंस की वजह से, एक इंटरैक्शन की वजह से कुछ रिस्पॉन्सेस ग्राफ होते हैं, पिक्चराइज होते हैं। सो इसके थ्रू हमको बहुत 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 ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेज मिल सकती है। सो अक्सर ये जो होता है, ये सेल्स जो कि वाटर सोल्यूशन में होते हैं उनकी मेजरमेंट के लिए, उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ होता है। सो दैट्स हाउ वी हैव फिनिश्ड माइक्रोस्कोप। और इससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सो थैंक यू एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।